किस पार्टी में शामिल होंगे वरुण गांधी? क्या कांग्रेस में जाएंगे वरुण गांधी या फिर समाजवादी पार्टी में जाएंगे वरुण? शिवपाल बोले, स्वागत है वरुण। क्या मोदी से नाराज है वरुण गांधी? देश की सियासत में एक बार फिर से वरुण गांधी की खूब चर्चा हो रही है। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले वरुण गांधी की चर्चा शुरू हुई तो सभी पार्टियां वरुण गांधी को लेकर एक्टिव हो गईं। इस बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया कि क्या उनके भाई वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, तो राहुल गांधी ने किनारा कर लिया और कहा कि वरुण और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। सुनिए वरुण गांधी के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल मेरे लिए। पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहले भी राहुल गांधी से वरुण को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं, ये तो खड़गे से पूछना चाहिए। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए, पहले पता नहीं, मुझे थोड़ा मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है, पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं मुझे। कांग्रेस ने वरुण गांधी से किनारा किया तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने वरुण को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। अब सवाल यही है कि आखिर वरुण गांधी किस पार्टी में शामिल होंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर समाजवादी पार्टी में। इधर खबर यह भी सामने आ रही है कि पिछले दिनों वरुण गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी लोकसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वरुण गांधी को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वरुण गांधी हिंदुत्व की राजनीति जारी रखेंगे। कुछ मुद्दों पर उनकी पार्टी में मतभेद है लेकिन वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। वरुण के करीबियों का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद वरुण गांधी को केंद्र में जगह मिल सकती है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वरुण गांधी किस पार्टी में जाते हैं या फिर बीजेपी की राजनीति जारी रखते हैं।